अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 4A क्लास 7 सब्जेक्ट में। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड वाला, एक्सप्रेस फॉलोइंग रैशनल नंबर इन टू एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या आपने अब करना क्या हमारे पास था, ये वैल्यू गिवन है, इसको आपने लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। ठीक है, हमारे पास रैशनल नंबर गिवन है, इसको लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो इसके हम 36 है, इसके हम फैक्टर बनाते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर करता हूं 6 से, 6 6 36 6 1 6। अब जहां पे 36 है वहां पे हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 36 इज इक्वल माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहां हमारे पास बेस एक जैसे हैं, इनको लिखने आपने एक दफा और पावर को प्लस कर दे, 1 पावर हमारे पास ये है, 1 एक्सपोनेंट ये है और 1 एक्सपोनेंट ये है, तो ये है हमारे पास 6 की पावर, यहाँ 2 आएगा और ये सारा आपको नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर है, इसको लिखने आपने एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है 25/9। अब 25 के भी हम बनाएंगे फैक्टर और 9 भी बनाएंगे, तो 25 के फैक्टर बनेंगे हमारे पास 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 25 और 5 1 5 के 9 को बनाते हैं जी, तो 9 के होंगे हमारे पास 3 3 9 एंड 3 1 3, तो यहाँ पे आएगा 25/9 इज इक्वल टू, जहाँ 25 वहाँ आएगा 5 5 और यहाँ पे 9 वहाँ 3 3। अब यहाँ हमारे पास 5 5 यानी कि बेस सेम है, इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे, 1 पावर हमारे पास ये है, 1 पावर ये है। ठीक है, तो 5 की पावर 2 आएगा और नीचे 3 की पावर हमारे पास ये भी 2 आएगा। अब अगर हमारे पास 2 टर्म आपके डिवाइड होगी, दोनों का अगर हमारे पास पावर सेम हो, इनको हम एक पावर में लिख सकते हैं, चाहे वो डिवाइड होगी मल्टीपोल पर, 5/3 और यहाँ हमारे पास दोनों की सेम पावर है, एक्सपोनेंट 2 के पावर होगी, यही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन है 5 वाला, 1/100। अब 1 के हमारे पास फैक्टर 1 1 ही बना है, अब बनाते हैं 100 का। ठीक है, तो 100 के बनेंगे, इसको 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं और 10 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको हम 2 से करते हैं, 2 5 10 2 0 0। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 4, यहाँ समान क्या होगा 10 बनेगा, 2 5 10। अब 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से नहीं या 5 से कर सकते हैं, 5 5 25 एंड 5 1 5, तो आएगा 1/100 इज इक्वल टू 1/, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपका 100 अपाई फैक्टर लिखेंगे, 2 2 5 5, तो आएगा 1/2 5 2। यहाँ हमारे पास 2 टाइम है, 2 लिखना है पावर 2 लिख दिए, यहाँ 5 हमारे पास 2 टाइम है, 5 लिख पावर 2 लिख दिए। अब 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वेयर, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 को 1 से दोबारा करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको 1 ही बन जाएगा, और नीचे इनको लिख सकते हैं हम 1 1 स्क्वेयर इस तरह, तो 1 × 1 ये भी 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, 1 की पावर 2, बेस सेम है, पावर को प्लस कर दिया और नीचे 2 5 10 और ये पावर 2। अब दोनों के हमारे पास पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, टर्म डिवाइड हो रही है, इनको हम लिख सकते हैं 1 की पावर के अंदर, 1 ही एक्सपोनेंट के अंदर, तो आंसर आएगा 1/10 रेज टू पावर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव द फॉलोइंग, आप ये प्रूव करना है कि 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 256, हमने ये प्रूव करना है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, अब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8। अब जितनी ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट है ना, उतनी दफा आपने बेस को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो यहाँ तक हमने किया मल्टीपल, हमारे पास आ गया 16, फिर साइन आएगा मल्टीपल आएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16।
अब 16 को हमने 16 से करते मल्टीप्लाई, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 256। तो ये हमारे पास आ गया है इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया है। तो हमने इसमें यही जो प्रूव करना था कि लेफ्ट को सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर है वो राइट आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन है, सेकंड पार्ट है 1/100 का जो स्क्वायर है पावर 2 है इज इक्वल टू 1/10000। तो यहां फिर आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/100 रेज्ड टू पावर 2। अब यहां हमारे पास पावर 2 है ना, इसका मतलब है कि आपने 1/100 को 2 टाइम करने मल्टीप्लाई। तो यहां आएगा 1/100 मल्टीप्लाई 1/100, 1 को 1 से करना मल्टीप्लाई हमने, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 और नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने 1 को 1 से करना मल्टीप्लाई और 100 को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, ठीक है। तो फिर हमारे पास इसका ये आंसर आएगा। अब 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा 1 ही आएगा, और 100 को 100 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 10,000। तो इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया है राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन है थर्ड वाला के 0 raised to power 7 = 0। कि आपने 0 को 7 टाइम करना मल्टीप्लाई तो आपको आंसर 0 आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया जी 0 raised to power 7। अब 0 को हम करते हैं 7 टाइम मल्टीप्लाई 4, 5, 6, 7। तो 0 को 7 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको आंसर 0 ही आएगा। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया। उसके बाद फोर्थ वाला पार्ट है 3/5 raised to power 3 इज इक्वल टू 27/125। तो यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3/5 raised to power 3। अब हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो 3/5 को 3 टाइम करना मल्टीप्लाई 3/5 × 3/5 × 3/5 3 को 3 से फिर 3 से करना मल्टीप्लाई 3 × 3 × 3 और नीचे आएगा 5 × 5 × 5 3×3 = 9, 9×3 = क्या आएगा 27। अब नीचे 5×5 = 25, 25×5 तो आएगा 125। तो इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। अब इसका जो आप डायग्राम करना होगा वो करना है आपने एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 3 और 4। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपने होमवर्क करना है। ओके, लास्ट।